हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सब्जेक्ट में फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग फंडा क्या है, ये क्या मीनिंग है इस फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग का। इस इन दो कॉन्सेप्ट का आपको इस तरीके से मैं अभी आज एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे। बड़ा सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। पहले तो देखते हैं कि फॉरवर्ड चेनिंग क्या होता है और बैकवर्ड चेनिंग क्या होता है। फॉरवर्ड चेनिंग मतलब क्या, वहां पे आपको डेटा गिवन होता है, इनिशियल स्टेज पे आपको क्या होता है डेटा दिया होता है और आपको गोल स्टेट फाइंड करनी होती है, मतलब आपको कंक्लूजन तक पहुंचना होता है। दैट इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड चेनिंग। मतलब आपको आगे बढ़ते जाना है, दिया हुआ डेटा है और कंक्लूजन तक पहुंचना है, दैट इज फॉरवर्ड चेनिंग। और उसको हम लोग बोलते हैं डेटा ड्रिवन अप्रोच, बिकॉज जो दिया हुआ है उसी के ऊपर ड्राइव करके आप कंक्लूजन तक जा रहे हो। और दिया हुआ क्या है, डेटा दिया हुआ है, गिवन इज डेटा एंड यूजिंग दैट डेटा यू हैव टू रीच टू द कंक्लूजन और गोल स्टेट। लेकिन यहाँ बैकवर्ड चेनिंग में कहानी उल्टी है। क्या बात है यहाँ पे कि यहाँ पे गोल स्टेट इज गिवन, आपको पहले से ही कंक्लूजन दे दिया होता है, गोल स्टेट पहले से दे दिया होता है और फिर आपको बोला होता है कि व्हाट इज द इनिशियल स्टेज, मतलब आपको पीछे आना है, फॉरवर्ड नहीं जाना, आपको बैकवर्ड जाना है, बैकवर्ड चेन अप करते हुए जाना है। तो आपको यहाँ पे कहते हैं दिस अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गोल ड्रिवन। क्यों गोल ड्रिवन, बिकॉज यहाँ पे आपको गोल पता है, गोल क्या है, कंक्लूजन क्या है, सब कुछ आपको पता है, इसीलिए आप उस गोल के बेसिस पे बैक ट्रैक करते करते, बैकवर्ड चेनिंग करते करते आप इनिशियल स्टेज पे पहुंचते हो। तो ये एक एग्जाम्पल है जहां पे कुछ डेटा, उसके रूल्स और कंक्लूजन दिया हुआ है। इस बेसिक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग क्या होता है समझाता हूँ। याद रखिए जिंदगी नहीं बोलोगे, इतना इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा मैं। सबसे पहले तो आपको डेटा दिया हुआ है, तो जहां पे अभी पहली कंडीशन, जहां पे डेटा दिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चेनिंग। डेटा इज गिवन, डेटा दिया हुआ है, डेटा क्या है, x is equal to 2 and y is equal to 2, डेटा दिया हुआ है, रूल्स में डालो डेटा को। अगर मेरा x1 है और y2 है तो रूल क्या कहता है, z3 हो जाएगा। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर z मेरा 3 है तो मेरा a की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इसके ऊपर से मेरा कंक्लूजन क्या निकलेगा, ऑब्वियसली a की वैल्यू 4। क्यों a की वैल्यू 4, क्योंकि भाई मेरा x भी 1 है डेटा में, y भी 2 है डेटा में, उस हिसाब से z 3 हो गया, और अगर z 3 हो गया तो a 4 हो जाएगा और फिर मेरा कंक्लूजन आ जाएगा a 4। तो जब हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड चेनिंग, मींस फ्रॉम डेटा टू कंक्लूजन वी आर मूविंग। लेकिन चलिए अभी उल्टा देखते हैं फॉर बैकवर्ड चेनिंग। यहाँ पे गोल स्टेट गिवन है, कंक्लूजन गिवन है, कंक्लूजन क्या है भाई, a इज इक्वल टू 4 अपने को दिया हुआ है कि भाई a इज इक्वल टू 4 है। अभी हमें इनिशियल स्टेट तक पहुंचना है कि x और y की वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा घूमेंगे, we will move in this way, how we will move, a की वैल्यू 4 है, चलो रूल्स को उल्टी तरीके से देखना शुरू करो। पहले सेकंड रूल देखो, a की वैल्यू 4 कब होगी, जब z की वैल्यू 3 होगी। z की वैल्यू 3 कब होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 2 होगी। तो इससे हमें मिल गया x और y की वैल्यू, देयरफॉर हमारा डेटा जो इनिशियल स्टेट का डेटा है वो क्या हुआ, x is equal to 1 and y is equal to 2। तो बड़ा ही सिंपल फंडा है ये एग्जांपल, ये बेसिक चीजें अगर दिमाग में घुस गई तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग आपको समझ में आ चुका है। दिस वाज द सिंपलेस्ट एग्जांपल आई थिंक ऑन द यूट्यूब एनीवन वुड हैव गिवन ऑन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वो तीन मैजिकल चीजें करना बिल्कुल मत भूलिए। पहले तो इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए दोस्तों, इसे शेयर कीजिए और मेरे 5 मिनट इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन की वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।